हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सुफानली फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। सुफानली फ्रेंड्स, आज हम एक और नई वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे, दिखाएंगे, सिखाएंगे ड्यूल तरह की मोल्डिंग का एक ग्लास फोटो फ्रेम कैसे बनता है। सुफानली ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मोल्डिंग है ये वुड टाइप की मोल्डिंग है। मैं आपको सीन करा देता हूँ। देखिए ये वुड टाइप की मोल्डिंग है, इसकी मैंने एक ऑलरेडी कटिंग कर ली है। ये जो मैंने साइज कटिंग किया है ये 16x20 का मैंने इसको साइज मैंने कटिंग किया ऑलरेडी। ये जो आप मोल्डिंग देख रहे हो ये 1 इंची की मोल्डिंग है और इसका जो कलर है ये प्रॉपर वुड में है और लाइट वुड इसको बोलते हैं। इस मोल्डिंग से हम एक फोटो फ्रेम बनाएंगे जिसका साइज और डायमेंशन रहेगा 16x20 इंच का। और इसके साथ हम ये वाली मोल्डिंग जो आप देख रहे हैं, इस तरह की मोल्डिंग को हम यूज करेंगे। इसको आउटर बाउंड्री की तरह इसको यूज करेंगे और जल्दी से मैं आपको इसको ज्वाइंट करके दिखा देता हूँ। जो हमारा डायमेंशन है, जो हमारा फ्रेम साइज है वो 16x20 इंच का है, वो मैं एक बार आपको ज्वाइंट करके दिखा देता हूँ। फाइनली इसको ज्वाइंट करेंगे। पहले इसका एक बार जो इसका प्रॉपर डाई है इसको सेट कर लेते हैं। हमारी डाई प्रॉपर सेट हो चुकी है, अब हम इसको पिनिंग मशीन की हेल्प से पिन कर देते हैं। हमारी जो मोल्डिंग है ये 1 इंच की है, इस पे हम 3 पिन्स अप्लाई करेंगे सिंगल वन टाइम। और जैसे हमने अपना सिंगल साइड ज्वाइंट कर लिया, अब वैसे ही हम दोबारा से अपना जो बाकी लेग्स हैं उनको भी ज्वाइंट कर लेते हैं। पहले फ्रेंड्स, जैसा कि देखा आपने, हमने अपना मॉड्यूल जो 16x20 इंच का वो हमने प्रॉपर रेडी कर दिया है इसको। अब हम इसे जो हमारा मॉड्यूल है इसकी प्रॉपर ग्लास कटिंग हम करेंगे। वो ग्लास कटिंग भी करनी मैं आपको दिखाता हूँ इसी वीडियो के अंदर। ये हमारा जो मॉड्यूल है इसके सपोर्ट के लिए हम इधर एक मोल्डिंग रख देते हैं और मैं अपनी जो शीट है वो शीट में अभी लेके आता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारी जो 20-40 साइज बोलते हैं वो हमारी प्रॉपर शीट है ग्लास की। अब हम इस ग्लास शीट को अपनी फ्रेम पे सेट करेंगे और सेट करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हमें यूज पड़ेगा एक कटर। ये कटर से हमें इस ग्लास को कटिंग करेंगे और ये हमारी स्पोर्ट है जिससे कि हम एज ए स्केल रूरल भी है इसको मेंशन करेंगे। अभी मैं एक बार कटिंग कर लेता हूँ ग्लास की। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसको इस कटिंग को इस शीट से अलग कर लेता हूँ। देखिए ये हमने अपनी शीट को कटिंग कर लिया है और हम इसको वापस से रख देते हैं ताकि ये हमारा यूज हो सके। ये हमारी कटिंग प्रॉपर हो चुकी है ग्लास की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम इस पे यूज करने जा रहे हैं डबल मोल्डिंग, जैसा मैंने आपको बताया था इस तरह की मोल्डिंग है। अब मैं इस तरह की मोल्डिंग का प्रॉपर एक बार डायमेंशन लेके इसको भी एक बार मैं प्रॉपर कटिंग कर लेता हूँ। फाइनली फ्रेंड्स, आपने देखा हमने ये कटिंग किया अपनी जो इलेक्ट्रिक मशीन है जिसे टेबल टॉप मशीन भी बोलते हैं, उससे हमने ये कटिंग किया अपनी मोल्डिंग को। और जो इसमें फिनिशिंग है वो भी आप देखिए,
ये प्रॉपर फिनिशिंग देती है, कॉर्नर टू कॉर्नर कटिंग करती है। अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे अपनी पिनिंग मशीन की हेल्प से। सो मैं एक बार आपको पिनिंग मशीन की हेल्प से एक बार अगेन ज्वाइंट करके दिखा देता हूँ। सो फाइनली फ्रेंड्स, पहले मैं अपनी डाई को प्रॉपर सेट कर लेता हूँ, क्योंकि हमने अपनी डाई को 1 इंची पे सेट किया था। अब हम अपनी डाई को प्रॉपर 2 इंची के लिए सेट करेंगे, क्योंकि जो हमारी ये मोल्डिंग है वो 2 इंच की है। अब मैं अगेन इसको ज्वाइंट कर देता हूँ। सेम मैं अपनी जो दूसरी मोल्डिंग है उसको भी मैं ज्वाइंट कर लेता हूँ। अब मैं प्रॉपर पूरे फ्रेम को ही ज्वाइंट कर लेता हूँ। नाउ फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, हमने इसको प्रॉपरली ज्वाइंट कर लिया है अपनी पिनिंग मशीन की हेल्प से। अब मैं अपने जो ये फ्रेम्स है इसको एक बार सेट करके देख लेता हूँ। सो ये परफेक्ट अपना सेटिंग इस पे देखिए आ रहा है, और इसका जो व्यू है वो इस तरह का दिखेगा फ्रेंड्स। अब मैं इसकी जो लीफ है, ये 2 लीफ्स हैं, इनको मैं एक बार रिमूव कर लेता हूँ। ये देखिए, ये हमने अपनी दोनों लीव को रिमूव कर लिया है। अब हम इसको एक बार प्रॉपर सेट कर लेते हैं। सो ये हमारा प्रॉपर सेट हो चुका है। अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ पिनिंग मशीन। सो अभी हम अपनी पिनिंग मशीन की हेल्प से इसको ज्वाइंट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारी पिनिंग मशीन है। इसके अंदर जो हमने पिन्स इसके अंदर जो डाली है, वो हमने इसके अंदर F15 इसके अंदर जो पिन हमने इसके अंदर यूज की है। सो फाइनली मैं एक बार पिनिंग कर देता हूँ अपने फ्रेम को, जैसे कि हमने सेट किया था। फाइनली फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, विद द हेल्प ऑफ पिनिंग मशीन हमने इसको जॉइंट कर दिया है। ये देखिए, ये हमारा फ्रेम अब बिल्कुल स्टेबल इसके साथ जॉइंट हो चुका है। अब इसके पीछे जो हम अपना एक लेयर लगाएंगे, वो अपनी MDF की रहेगी। MDF का बोर्ड हम इसके अंदर लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरह का हमारा जो एक बोर्ड आता है, इसको हम MDF बोर्ड बोलते हैं। ये हम फ्रेम की बैक के लिए यूज करेंगे। अब मैं इसको आपको प्रॉपर सेट करके दिखाता हूँ। सो ये देखिए, हमारा ये जो बोर्ड है MDF बोर्ड, वो प्रॉपर सेट हो चुका है हमारे फ्रेम के साथ। सो अब हम इस पे नेल गन मशीन की हेल्प से नेल्स लगाएंगे, वो भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये हमारी फ्लेक्सीगन मशीन है, ये कंप्रेसर वाली मशीन है, ये कंप्रेसर से चलती है। अब मैं एक बार जल्दी से लगा के दिखा देता हूँ आपको। सो फ्रेंड्स, हमारी जो फ्लेक्सीगन मशीन थी, उसकी हेल्प से हमारा पीछे जो MDF बोर्ड आपने देखा, ये प्रॉपर सेट हो चुका है। सो अब हमारा फ्रेम बनके रेडी हो चुका है। सो फाइनली फ्रेंड्स, आपको ये फ्रेम हमारा कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। और आप हमारी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।